बताइए, खा के देखिए उससे पता चल जाएगा। बाकी टेस्ट के बारे में बोलता हूँ, एक दिन दो दिन कभी कभी ऊपर नीचा हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। मैं कस्टमर को खिलाना चाहता हूँ, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। ये क्रेब उबल रहे हैं, उबल है। अच्छा, इसका क्या कारी बनेगा? अच्छा, कैंकरा का कारी भी मिल जाएगा आपको। तो क्वांटिटी कोई कम नहीं है, 230 में क्वांटिटी ऐसा मिलना मुश्किल है। लेकिन ठीक है, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज भी हम एकदम एक नंबर मटन ट्राई करने के लिए आए हुए हैं। वो क्या मटन है मैं आपको पहले बता देता हूँ। वो जो बोलते हैं ना पीतल का जो हंडी में जो मटन बनता है, पीतल हंडी मटन, तो ये वाला मटन ट्राई करने के लिए आए हैं। और वो कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह में मिलता है और वो भी बहुत अच्छे से पकता है, जो कि नाना नमस्कार होटल में। ये जो रोड है ये कड़क भुवनेश्वर का बाईपास है, तो शिशुपलगढ़ बर्धानपुर में आपको ये वाला होटल मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे है। अभी तक हम मतलब प्रिपरेशन वगैरह लेने के लिए हम बहुत जल्दी आए हैं, तो आपके लिए सारा चीज़ शूट किए हैं, तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना, और पूरा एंजॉय करो, ठीक है। आज मैं भी पूरा एक नंबर मतलब पूरा एक नंबर मटन ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पूरा पीतल का हंडी में बनता है और अलग ही स्टाइल में कुक होता है, ठीक है, एकदम काट फाट में कुक होता है। तो आप वीडियो में बने रहो, आप वीडियो देखते रहो, और हम चलेंगे अभी इसके बाद टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसा लग रहा है। चलो, ये वाला आलू चॉप है, ये वाला आलू और करेला का चार और कल रहा आलू, अच्छा चिप्स है। और यहाँ पे क्या बन रहा है? कंकड़ा। अच्छा, ये कंकड़ा का ना क्रेब, ये क्रेब उबल रहा है अभी, उबल है। अच्छा, इसका क्या कारी बनेगा? अच्छा, कंकड़ा का कारी भी मिल जाएगा आपको भाई, यहाँ पे कंकड़ा भी देख सकते हो, कंकड़ा यहाँ पे उबल रहा है, तो ये भी रेडी नहीं हुआ, ये बाकी सारी चीज़ यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे अंडा रखा हुआ है, और ये तो चावल देख सकते हो, चावल का डिस्की देखो, वहाँ पे चिकन है। अच्छा, चिकन एक बार चम्मच से दिखाएंगे, तो ये वाला भाई चिकन है। चिकन कैसे करके देते हैं? चिकन का प्लेट कैसे? प्लेट है 180, 180 रुपये। अच्छा, ये मछली है, मछली है। अच्छा अच्छा, मछली कैसे करके देते हैं? 30 रुपया, 30 रुपये पीस। अच्छा, वाह। ये है आलू पोटल, आलू पोटल सब्जी ये। अच्छा, आलू पोटल का सब्जी है। ये दाल, ये दाल है ना, दाल है। अच्छा, तो ये सब थाली वगैरह में मिलता है ना सारा? हाँ, भैया ने दिखा दिया। पीछे वहाँ पे मटन बनता है, और यहाँ पे आपको भैया आप पहले लोग यहाँ पे सारा चीज़ तैयार करते हैं, बाकी सारे आइटम्स देख सकते हो। ये है भाई नाना नमस्कार मटन का, जो मटन होटल है उसका यहाँ पे शेफ जो है, यहाँ पे वो डेली मटन बनाते हैं, मतलब जब जब बार बार में मटन होता है और मटन का जितना भी आइटम होता है वही बनाते हैं। तो अभी भी वो अभी प्रोसीजर चालू किए हैं। वैसे अभी पहले क्या डाले हैं? अभी हम तो प्याज, ओनली प्याज डाला गया है ना, अभी तक मटन डाला नहीं है। आज कितना किलो का बनेगा वैसे? आज 52 kg, 52 kg का बनेगा, मतलब हर संडे को 52 kg का ऐसे ही बनता है? 62-64 ऐसे ही बनता है, अलग 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 अलग, मतलब कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं? अभी प्रोग्राम चल रहा है, फेस्टिवल है ना। अच्छा, लोग तो घर गए हैं। वैसे कितना टाइम लगता है टोटल पूरा बनने में? 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। 3 घंटा 40 मिनट टोटल प्रोसेस। बाप रे बाप, 3 घंटा 40 मिनट में आपका यहाँ पे मटन तैयार होगा? हाँ हाँ, मैं तो हूँ यहाँ पे, मैं अभी चेक करूँगा। और वहाँ पे मसाला वगैरह रखा हुआ है ना? 11:40 में निकलेगा। अच्छा, पूरा टाइम वाइम वगैरह एकदम सब चीज़ उनको याद है भाई, 11:40 में निकलेगा मटन, अभी चालू हुआ है, तो देखेंगे सारा प्रोसीजर यहाँ पे। आप वीडियो में बने रहना एकदम। आप कैसे घंटे के बाद आए? हाँ, आप तो 1 घंटे के बाद आए, आप तो 1 घंटे से पहले ही शुरू हो गए। शुरू हो गया ना, 7:30 बजे में चूल्हा लगा हुआ, चूल्हा लगा था यहाँ पे, पूरा एकदम काट में बनता है ना, तो यहाँ पे पूरा एकदम काट में बनता है देख सकते हो। वैसे जी आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम भवानी शंकर गजेंद्र है, मेरा घर शिशुपलगढ़ है। अच्छा, वैसे कितने साल से आप ये? 3-4 साल हुआ है कम लिया, लेकिन मेरा पहला ये हवी झुंपड़ी था, अभी नाना नमस्कार हो गया। अच्छा, अभी नाना नमस्कार, इसीलिए मतलब नाना नमस्कार का मटन भी स्पेशल हो गया। तो अभी भाई भैया का हाथ का आज मटन ट्राई करेंगे यहाँ पे,
नाना नमस्कार का मटन और आपको बताएंगे और पूरा प्रोसीजर भी देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। प्रोसीजर जब चालू होता है पूरा, अभी तो वाले जस्ट चालू हुआ है और वहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मसाला वगैरह रखा हुआ है। ये वाला क्या है? ये लहसुन का है, ये अदरक, और ये है जीरा, धनिया, मिर्च, सब कुछ का देख सकते हैं। और ऐसे ही ओपन प्लेस में पकाया जा रहा है, देख सकते हैं एकदम। ये पीतल का हंडी में ही बनता है ना? ठंडा है, ठंडा ना, हंडी नहीं बोलते, हंडा बोलते हैं। अच्छा तो भाई हमको पता ही नहीं था, तो आज हम पीतल का हंडा का मटन ट्राई करने वाले हैं। और कुक साहब अभी ऑलरेडी पका रहे मटन, तो दो तीन आइटम था। अभी बम्बू मटन भी अवेलेबल है, और हम लोग का ये उड़िया का एक डिश है, मुग्गो मटन बोलते हैं उसे। अच्छा, जैसे कि मूंग दाल और कुछ सब्जी मिला के उसको बनता है, और एक मुग्गो पालंग भी बोलते हैं, पालंग के साथ के साथ वो किया जाता है। तो ये सारा आइटम इधर ही बनता है? मैं बनाता हूँ। आप ही बनाते हो? वो कौन सा दिन ऐसे अवेलेबल रहता है? वो शुक्रवार को मिलता है सिर्फ, ओनली शुक्रवार को मिलता है। अलग आइटम जो है शुक्रवार को, क्योंकि फ्री में रहता है थोड़ा। अच्छा, बाकी तो जो माछ डालमा वो भी अच्छा लगेगा खाने में। बहुत सारे हैं, जैसे कि नॉन वेज में दो तीन आइटम है, और मछली का वो भी अच्छा लगेगा खाने में। अच्छा, वैसे मतलब आप ये जो फेमस मटन है उसका राज क्या है, आप कुछ बता सकते हो? नहीं एक्चुअली इसमें राज कुछ नहीं है, आप तो देख रहे हैं सब। हाँ, कष्ट तो मैं देख रहा हूँ। नहीं कुछ अलग चीज़ है क्या? नहीं नहीं नहीं, सच भी तो सब तो जनरल चीज़ है, सब जनरल है। बस बाकी है बनाने का और काट का है। हाँ, वो काट का काम है, काट का ही काम। जलाने का तरीका ठीक होगा तो रसोई ठीक होगा। अच्छा, वो मतलब जो हंडा है उसके वजह से कुछ टेस्ट में कोई फर्क आता है क्या? पीतल में टेस्ट नहीं होगा, हम लोग तो बचपन से पीतल में खाते थे ना, और पीतल में खाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। वो तो सुना है मैंने, स्वस्थ रहता है। और ये क्या पीतल थोड़ा पकता है, पीतल में थोड़ा पकने में थोड़ा सहज होता है, सहज होता है ना, वो थोड़ा जल्दी पक जाता है, क्योंकि वो टोटल ऑब्जर्व करता है पहले आग को, उसके बाद वो उसमें बना जाता है। जहाँ भी छुएगा एक ही मात्रा होगा। तो पूरा ओहो मतलब यही एक फंडा है ना, तो आपके पास आया इसलिए पता चला। एक सिल्वर होगा, तो सिल्वर जितना जगह जलेगा उतना जगह ही तात रहेगा। अच्छा, बाकी जगह ठंडा रहेगा, ये टोटल कवर करेगा, इसलिए तो चारों तरफ से पकेगा ना, चारों तरफ से पकेगा, इसीलिए पकने में भी कुछ स्पेशलिटी होता है इसका। अभी लहसुन डालेंगे, ये पूरा लहसुन कितने का है? 3.5 किलो का। 3.5 किलो। पूरा का पूरा डाल दिया ना। मतलब अंदाजा लगाना भी तो बहुत बड़ी बात होता है, इतना लोग इतना मटन के लिए कितना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आदत हो गया, आदत हो गया। पहले तो शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इतना पहले कम किए नहीं था, शुरू में दिक्कत हो। लहसुन डाल के बहुत देर हो गया, देख सकते हो अभी ऐसे ही उबल रहा है। और अभी जाएगा अदरक, ये अदरक चला गया भाई। अभी एक एक करके प्रोसीजर धीरे धीरे चालू हो जाएगा ना। लहसुन के स्मेल के बाद ही अदरक डाला जाता है ना, उसके बाद अदरक का भी स्मेल आएगा। मैं तो हर वीडियो में तो मेंशन कर चुका हूँ, यदि मटन आपको डाउट होता है कि मटन खांसी नहीं है, तो एक पीस आप लेके लेबोरेटरी में टेस्ट कर लीजिए। यदि आपको खांसी के बगैर और कोई अलग चीज़ मिल जाएगा तो 50,000 मैं दे दूँगा आपको। मेरा रखा हुआ है, मैं भी 50,000 देने के लिए रेडी हूँ, कोई भी चैलेंज करता है मेरे साथ। मटन के ऊपर पूरा गारंटी है, 100% 24 कैरेट रहेगा। आप खुद आइए खा के देखिए, उससे पता चल जाएगा। बाकी टेस्ट के बारे में बोलता हूँ, एक दिन दो दिन कभी कभी ऊपर नीचा हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं कर सकता मेरे पास। मैं कस्टमर को खिलाना चाहता हूँ,
इसे पैसे से मतलब नहीं। बस मैं तो आपको पहले से बोल चुका हूँ, मैं ठगा हूँ, अभी किसी को भी नहीं ठगूंगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम होता है कि कोई कंप्लेन करता है, वो सब जैसे फ्री में खाना दे देंगे। बाकी मैं तो हर टाइम रहता हूँ, कस्टमर को केयर करता हूँ, कोई कुछ कंप्लेन आए कवर कर देता हूँ, कस्टमर को समझा देता हूँ। बाकी मतलब आप ही मालिक है, आप ही यहाँ पे शेफ है, खाना बनाते हैं, तो ये चीज भाई बहुत ज्यादा स्पेशल है। मैं भी बांटता हूँ, भाई भी सब कुछ करते हैं, भी मैं करता हूँ, सब कुछ करते हैं भाई। यहाँ पे मटन भी पकाते हैं, मटन का जितना सारा आइटम है, नॉनवेज जितना आइटम है भाई यहाँ पे पकाते हैं, और भाई मालिक भी है भाई। तो आना, एक नंबर मटन मिलेगा आपको। देसी मुर्गी भी खाते, देखिए मेरे पास देसी मुर्गी भी मिलते हैं ना। अभी तो पॉन कॉर्न सब मिलेगा मेरे पास, ककड़ी भी है, चिंगड़ी भी है। कोई कोई बोलता है कि मेरे माँ का याद आ गया, मेरे माँ तो ऐसे ही बनाती थी। ये खुशी लगता है बस। अभी जाएगा ये वाला मसाला। ये वाला मसाला में क्या क्या है एक्चुअली? चार पांच आइटम इसमें है। मिर्ची तो है, मिर्ची, धनिया, जीरा, और दो तीन चीज़ है जो इधर आ सकते हैं। अच्छा, वो चीज़ नहीं बता सकते? कैसे बताएंगे फिर, सब चीज़ बता देंगे थोड़ी चलेगा। मेरा भी दो तीन फिक्र है जो मैं खुद बनाता हूँ। मुझे सफ़ेद करके रखा हुआ, क्या सोचते हैं आप क्या होगा? कौन वो वाला? वो क्या होगा मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर भी अनुमान लगाइए, ये नारियल का कुछ है क्या? इसमें तो कंफ्यूज है, इसमें नाना बचा हुआ है। तो इसमें नाना बचा हुआ, ये तो कुछ स्पेशल लगा हुआ है, रखा हुआ है ऑलरेडी ग्राइंड करके। वही तो सीक्रेट है, वही सीक्रेट है। सब लोग सोचते हैं कि काजू होगा, नहीं तो मगज बगज होगा, सोचना गलत है। हमारा आने का ऑलरेडी 2 घंटे का ऊपर हो चुका है, अभी तक मसाला हो रहा था, अभी जस्ट अभी भैया अभी यहाँ पे मटन डाल रहे हैं। तो ये मटन जो झिली में रखा जाता है उसका कोई राज होता है क्या? मतलब उसका कोई स्पेशलिटी है क्या? कुछ है क्या? ऐसे ही आप मतलब धो के पैक करके रखे थे। तो यहाँ पे चर्बी भी चला गया, मटन जा रहा है अभी, देख सकते हो टोटल यहाँ पे है 49। अच्छा, वो 3 kg लगा के 52 है, और बाकी यहाँ पे अभी जा रहा है 49 kg भाई, 49 kg, समझ रहे हो? अभी ऊपर से प्याज ना पड़ेगा भाई का मेहनत को, तब से ही मसाला ही कर रहे थे पूरा, अभी खाली मटन डाले, नमक, हल्दी चला गया। ये बताएंगे ही नहीं ना क्या है। तो ये चीज़ जो डाला गया है वो यहाँ पे सीक्रेट है, मुझे भी नहीं मालूम क्या है, भैया को पता है, भैया तो बता भी नहीं रहे हैं। तो ये एक्चुअली उनका सीक्रेट है जो नाना नमस्कार मटन को बरकरार रखा है। तो आप आओगे तो खाओगे तो पता चलेगा आपको। ये पूरा वाइट कलर का पूरा कन्फ्यूज़ कर देता है, काजू है ना क्या है ये वाला, शायद ये सूखा मसाला है ना, तो मसाला वगैरह चला गया। फ्लेवर के लिए ना, अब मसाला वगैरह और कुछ नहीं दिया जाता है ना, बस इतना ही मटन बनेगा पूरा। अभी बन चुका है और एक मसाला बाकी, लाख को डालेगा, एक मसाला बाकी है। वाह रे वाह, अभी मटन को कुछ देख सकते हो।
चना मस्कर का मटन हम वेट करते करते यहाँ पे बैठे, लगभग 3-3.5 घंटा हो चुका है हमारा आने का। और मैं आपको दिखाता हूँ मटन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मटन अभी भी हो रहा है। भैया अभी बोल रहे हैं कि पूरा पक चुके हो, मैं तो पक चुका हूँ, तुम लोग वहाँ पे अंदर चले जाओ। तो अभी ये ऑलरेडी मटन हो चुका है, आलू वालू सब कुछ डाला जा चुका है। तो अभी जब उतारेंगे तब मैं आपको एक मरतबा दिखा दूंगा, इसके बाद हम ट्राई करेंगे। अभी क्या हो चुका है पूरा 90% हुआ है अभी वेट, मतलब कर करके मेरा टाइम नहीं जा रहा है। 11:20 11:40 में उतर जाएगा पूरा, 45 में। तो अभी भी टाइम बहुत सारा बाकी है, अभी भी इसे कलर देख सकते हो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग कलर है। आपको दिए थे 40 में, मतलब हाँ, इससे पहले नहीं हो पाएगा। ये जो कलर बना है ना, ये कलर को देखने के बाद ऐसे कोई इंसान खा लेगा। अभी भाई जाके हुआ आपका मटन रेडी, और अभी फाइनल कलर देखो, माँ कसम से ऊपर मतलब एकदम चर्बी का एक लेयर हो गया पूरा, इतना खूबसूरत दिख रहा है। देखो एक बार मटन, अभी फाइनली जाके मटन अभी रेडी हुआ पूरा का पूरा, टाइम मतलब 11:50 पकड़ लो पूरा हुआ। 12 बज चुका है लेकिन फ्लेम बंद होने का 10 मिनट हो गया। बाप रे बाप, देख सकते हो स्पेशल मटन, पीतल हंडा मटन। ये एक्चुअली क्या होता है, पूरा चर्बी है, ये रोगन है, ये रोगन है, ये तो मेन है। ये हर बाल्टी में जाएगा, जितना भी बाल्टी यहाँ से जाएगा हाँ, पड़ोसा के लिए इसमें दो दो कप, दो दो कप दे के जाए, सब लोग को मिलना चाहिए। अच्छा, ये सब लोग को मिलने के लिए इसलिए अलग कर लेते पहले से। क्या खुशबू आ रहा है लेकिन अभी है, मस्त वाला खुशबू आ रहा है भाई आज। मतलब ये पीतल में हंडा में बनाने के लिए इतना टाइम लगता है, मैं पहली बार देखा और आज प्रैक्टिकली देखा, मतलब इतना बढ़िया तरीके से बनाया भैया ने, पूरा हाइजीनिक सब कुछ एकदम साफ सफाई सब चीज़ एवरीथिंग बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हो। मतलब आलू भी अलग अलग पीस एकदम अलग अलग ही है, अभी इसमें जाएगा ना छोटा पीतल में। छोटा वाला से सर्व होता है ना, इसमें से तो सर्व तो हो नहीं पाएगा। भाई यहाँ देख सकते हो अभी हमारा स्पेशल मटन जो है पीतल का जो हंडी का मटन है वो आ चुका है यहाँ पे। नाना नमस्कार मटन देख सकते हो, ये वाला जो है हंडी, ये वाला जो देख सकते हो कटोरी पूरा एकदम हाई गर्म है, हाई वोल्टेज। और ये देख सकते हो प्लेट ऐसा कुछ दिया जाता है, पूरा प्लेट ये जो है पूरा 230 का आपको मिल जाएगा ट्राई करने के लिए। तो इसमें देख सकते हो ये है स्पेशल मटन, इसके लिए भाई आए हैं और सुबह से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे सलाद मिलता है, यहाँ पे आलू छौंक वाला आलू मिल जाता है, आपको पापड़ मिलता है, और यहाँ पे चावल मिलेगा आपका पसंद का, आप जो भी बोलोगे। जैसे औरवा है और सुना है आप जो ले सकते हो। बाकी चलो अभी फटाफट चालू करते हैं क्योंकि मटन स्पेशल है, गरम गरम खाने में मज़ा आएगा। तो 230 का आपको ऐसे मिल जाएगा भाई, मतलब पूरा हाई गरम है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूँ। अभी थोड़ा ठीक है, फिर भी गर्म है, हाई वोल्टेज ऊपर में जो है ना भाई बोल रहे थे रोगन है।
और चर्बी ना भाई का भाई, देखो भाई मटन का जो खुशबू आ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मौसम खुशबू है। एक पीस हम यहाँ पे लेते हैं, बहुत गर्म है। आलू को मैं ऐसे ही लूँगा, आलू लेना तो मुश्किल हो जाएगा भाई। कैसा लगता है मैं बताता हूँ, पूरा परफेक्ट है। और मैं आपको जैसे दिखाया था भाई, यहाँ पे अलग फालतू का कोई मसाला यूज़ नहीं होता, स्पेशल तो है पितर हंडी के लिए। अच्छा मटन में ट्राई करके देखता हूँ, झूल तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है। ऊपर में जो ये जो चिबी टाइप को जो देख रहे हैं ना रोगन टाइप, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। मटन डायरेक्टली खाता हूँ तभी पता चलेगा। भाई का मटन का पीस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया है, ना हल्का हल्का पीस नहीं। बिल्कुल पूरा एकदम घर जैसा बोलते हैं टेस्ट, मौसम टेस्ट है स्पेशली तो भाई इधर अंडा के लिए। और मेरे को जो टेस्ट लग रहा है मैं कसम से बता रहा हूँ, एकदम प्रोफेशनल लेवल का माँ का हाथ का खाना जैसा है वैसा ही मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा बढ़िया वेल बैलेंस टेस्ट है एकदम, मतलब मसाला भी बहुत ज़्यादा कम है। क्वान्टिटी देखो एक बार, क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया जाता है। 230 में आपको इतना सारा चीज़ के साथ क्वान्टिटी भी ऐसा दिया जाता है। और भी आप अगर चूलाल मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया मटन मोड़िया बहुत फास्ट क्लास, बहुत भल लगुच आ बहुत बढ़िया मटन है। मैंने ये बढ़िया मटन कटक रे कोई जगह मिली, बहुत ज़्यादा बढ़िया मटन है भाई। अगर आपको मटन ट्राई करना है स्पेशली, उनका 3 दिन मिलता है, संडे और बुधवार मतलब वेडनेसडे और फ्राइडे, यही है ना, 3 दिन मिलता है मटन। आप आके एक बार ट्राई करके देखो आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो गारंटी हूँ आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, आपका मैं पूरा एंजॉय करूँगा इसको। और एक चीज़ ये स्पेशल ये है कि यहाँ पे आने के बाद जो इको फ्रेंडली जो स्टाफ मिलेंगे ना आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आज तो मैंने उनको सुबह से लेके मतलब एकदम अभी खाने तक टाइम मतलब मैं उनके साथ बिताया। जो मालिक साहब है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब उनके साथ मैं बात कर जो पकाते हैं वही मालिक है, उससे बात करते करते मतलब खाना वगैरह ये बनाए, वो मटन भाई बनाए, बात करते करते बनाए और अभी मैं खा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आके देखो एक बार ट्राई करके, 5-स्टार रेटिंग है मेरे तरफ से, बिल्कुल आग बंद करके आओ भाई। इतना मटन का क्वान्टिटी तो मतलब 230 का प्लेट में आपको कहीं नहीं मिल सकता, ये तो मैं लिख के देता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी है और टेस्ट तो भाई लाजवाब है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। ऊपर से एक बार ये वाला दिखा दो, ये वाला जो देखने के बाद ना कोई इंसान जो खाता नहीं है ना वो भी खाने का मन करेगा उसको, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो क्वांटिटी कोई कम नहीं है, 230 में क्वांटिटी ऐसा मिलना मुश्किल है, लेकिन ये सच बात है। अभी के ज़माने में भाई 700 रुपये मटन का किलो है, मिलना मुश्किल है ऐसा क्वांटिटी और इतना एक नंबर क्वालिटी का। अगर मटन ट्राई करना है तो आप नानू नमस्कार आ सकते हो, आगे ट्राई करके देखो, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मैं पूरा 100% रिकमेंड करता हूँ, आप आओ आगे ट्राई करो और ट्राई करके मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। हम यहाँ से खा के निकल चुके हैं और लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा भाई, एक बार आगे ट्राई करके देखो। मैंने आपको खाते टाइम भी बोला है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, एक बार आगे खा के देखो, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। बिल्कुल मुझे ऐसे लगा ना कि जैसे कि मैं घर में पका हुआ मटन खा रहा हूँ, एकदम न्यूट्रल मसाला न्यूट्रल सब कुछ और पूरा एकदम बैलेंस टेस्ट है। मटन भी बहुत अच्छा क्वालिटी का और क्वांटिटी तो बहुत अच्छा मिलता है। 230 में आपको ऐसा क्वांटिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप अगर टेस्ट करके देखो, अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और आपने अगर टेस्ट किया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आपको एड्रेस का जो लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर चाहो तो वहाँ से भी गूगल मैप लगा के आ सकते हो। बाकी हम फिर मिलेंगे ऐसे और कौन से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।